नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में आम नागरिकों की सहूलियत के लिए चीफ जस्टिस रवि मलिमत ने अत्याधुनिक प्रौद्योगिक व्यवस्थाओं का शुभारंभ किया। इसके तहत हाईकोर्ट में वीडियो निगरानी प्रणाली और कोर्ट रूम लाइव ऑडियो वीडियो विजुअल स्ट्रीमिंग सिस्टम क्लास परियोजना प्रारंभ की गई है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रवि मलिमत ने वीडियो निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया। ये देश में पहली बार है जब किसी राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा राज्य में सभी जिला एवं तहसील अदालतों के लिए कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था की गई है। सुरक्षित अदालत परिसर की ओर बढ़ते हुए हाईकोर्ट ने एकीकृत वीडियो निगरानी प्रणाली की शुरुआत की है। इसमें 210 अदालत परिसरों के कोर्ट रूम की लाइव स्ट्रीमिंग होगी। ये एक अग्रणी परियोजना है जो पारदर्शिता एवं जवाबदेही के सिद्धांतों को अपनाती है। वायरसेस, बॉम्ब्स एक्सेट्रा, सो वी हैव टेकन ओवर दिस थिंग एज़ फार एज़ पॉसिबल। दिस इज कंट्रोल स्टेटस कॉन्फिगर थिंग है। लॉर्डशिप कैन व्यू फ्रॉम दिस चैंबर व्हाट एक्टिविटीज गोइंग ऑन। इट इज द लाइव स्ट्रीम कोर्ट ऑफ सेशन। दिस आल्सो वी हैव टेकन द डेटा। वी हैव स्टोर्ड 3 कैमरास इन ईच कोर्ट रूम। And one beauty of this project is that, Lordship, this is the WebEx, we have Cisco WebEx there. If any user want to connect for appearance online, just he has to click down button, he will join and his window will appear. जबलपुर जिले के किसानों के लिए राहत भरी खबर है कि कृषि विभाग के पास पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। करीब 5000 मीट्रिक टन से ज्यादा डीएपी और 6000 मीट्रिक टन से ज्यादा यूरिया सरकारी स्टॉक में है, लिहाजा गेहूं की फसल के लिए खाद और यूरिया की कमी नहीं होगी। जबलपुर जिले में 170,000 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि पर गेहूं की बुवाई हो चुकी है। अब गेहूं की फसल के लिए यूरिया की ज़रूरत पड़ना लाजमी है। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सरकारी स्टॉक में इस समय पर्याप्त मात्रा में खाद, डीएपी और यूरिया उपलब्ध है। किसानों को बाजार से खाद और यूरिया खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लगभग 3000 क्विंटल डीएपी उपलब्ध है और दूसरा कल ही रात को 3 बजे इफको की डीएपी की रैक लगी है। 2500 मैट्रिक टन डीएपी उसमें भी आया है, वो हमारे जिले को प्राप्त होगा। मैक्सिमम उसमें से 2000 मैट्रिक टन करीब हमारे जिले को प्राप्त होगा, बाकी आसपास के जिले में भी जाता है। और यूरिया भी हमारे पास 6800 मैट्रिक टन अभी उपलब्ध है और आज एक दो दिन में नागार्जुना की भी एक रैक लगनी है, तो उसमें भी हमें यूरिया प्राप्त होगा। क्योंकि अभी लगातार यूरिया की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि बोनी लगभग 90% बोनी हो चुकी है जिले में। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि खाद और यूरिया की कालाबाजारी को रोकने के लिए पहले से तैयारी कर ली गई है। शासकीय केंद्रों से ही खाद और यूरिया का वितरण किया जाएगा। सड़क और फुटपाथ पर डेरा जमाए आवारा जानवर यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए हैं। इनके कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, जिसके चलते जनता परेशान है। आवारा जानवरों के कारण शहर की यातायात व्यवस्था चौपट हो रही है। सड़क, फुटपाथ और डिवाइडरों पर बैठे गौवंश के कारण दुर्घटनाएं होती हैं। सड़क पर जाम लगता है, लेकिन नगर निगम की हाका गैंग अभियान चलाकर इन जानवरों को सड़क से दूर नहीं हटाते, जबकि नगर निगम की हाका गैंग पर 3 लाख रुपये प्रतिमाह खर्च किए जाते हैं ताकि आवारा जानवरों को सड़कों से हटाकर कांजी हाउस तक पहुँचाया जा सके। साहब, ये रोड पे जो जानवर घूमते हैं, इनके कारण बहुत दुर्घटनाएं घटती हैं। मैं तो दिन भर पेट्रोल पंप पे बैठता हूँ तो मैं तो देखता हूँ, और इसके साथ साथ क्या होता है, जो जानवर इधर पे हाका गैंग वाले अभी नहीं आ रहे, डेली बैठते हैं। कितने करीब की संख्या में जानवर रोड कम से कम रोड पे दीनदयाल चौक से दमोनागे के बीच में कम से कम 85 जानवर बैठे रहते हैं, इनके कारण एक्सीडेंट होते हैं। आवारा पशु जो भी हैं, गाय भैंस वगैरह, क्योंकि इससे हमारे जो दोपहिया वाहन वाले हैं, चार पहिया वाले वाहन हैं, जो स्कूल जाते हैं, बच्चे हैं जो साइकिलिंग कर रहे हैं, किसी को भी नुकसान हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। बहुत सारे जानवर बैठे रहते हैं, पशु बैठे रहते हैं, उससे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में दिक्कत भी होती है, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट भी होते हैं, लेकिन कोई ध्यान देने वाला नहीं है। इसी इस समस्या का समाधान होना चाहिए। नियम तो जानवरों के रजिस्ट्रेशन का भी है, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों को इन नियमों की जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से शहर में आवारा जानवरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।
शहपुरा टोल नाके पर अज्ञात युवकों ने हंगामा करते हुए तोड़फोड़ कर दी और मौके से फरार हो गए। 40 से 50 की संख्या में टोल प्लाजा पहुंचे युवकों द्वारा मचाए गए उत्पात की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं, जिसके आधार पर शहपुरा पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। शहपुरा टोल प्लाजा में गुरुवार की दोपहर 1:30 बजे बड़ी संख्या में पहुंचे युवकों ने जमकर हंगामा करते हुए टोल नाके में तोड़फोड़ कर दी। भैया गाड़ियाँ बढ़ा लो, गाड़ियाँ अपनों बस में कोई बताया जा रहा है कि टोल नाके में हुई घटना के कुछ देर पूर्व ही एक कार चालक के फास्टैग से रुपए नहीं कटने को लेकर विवाद की स्थिति बनी थी। उसके बाद कार वहां से चली गई और उसके थोड़ी देर बाद ही लाठियां हाथ में लेकर बड़ी संख्या में लड़के वहां पर पहुंचे और नाके में तोड़फोड़ कर दी और भाग निकले। घटना की सूचना मिलने के बाद शहपुरा पुलिस भी मौके पर पहुँच गई। ये टोल मैनेजर का कहना है कि कोई वाहन रैनी गाँव का कोई व्यक्ति होगा जिसके साथ इनकी छुटपुट फास्टैग को लेके विवाद हुआ होगा। उसके बाद करीब 2 बजे के आसपास इनका कहना है कि करीब 100 की संख्या में लोग रहे होंगे, लड़के आए और टोल के अंदर घुस गए और गाड़ी भी तोड़ दी है और ऑफिस में तोड़फोड़ किए हैं। कुछ हथियार की भी बात ये कर रहे हैं। मौके पर थाना प्रभारी आए कि जब्त कर लिए हैं। कोई भी व्यक्ति जो इस तरह का गुंडागर्दी में होगा, यहाँ तमाम सीसीटीवी लगे हुए हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा और गंभीर धाराओं के तहत उन पर कार्रवाई होगी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं टोल नाके का सिस्टम टूटने की वजह से पुलिस की मौजूदगी में नाके से वाहनों को निकलवाने का कार्य किया गया। हनुमानताल क्षेत्र में आयोजित भंडारे के समापन के बाद हलवाई के साथ आए युवक पर खौलता तेल गिर गया। इस घटना में युवक लगभग 60% जल गया, जिसको इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हनुमानताल पुलिस ने बताया कि अभय शर्मा नाम का युवक इस हादसे का शिकार हुआ है। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि भंडारे के समापन के बाद सामान समेटने के दौरान ये घटना हुई है। भंडारे में खाना बनाने का काम कर रहा था, जो ये भंडारा समापन के उपरांत जब ये साजू सामान इकट्ठा कर रहे थे तो इस दौरान इस पर जो तेल गिर गया था, जिसमें उनके दोनों हाथ और पेट में तेल गिरने की सूचना ही प्राप्त हुई थी, जो उनको अभी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। अभी तो प्रारंभिक जांच में है और किसी प्रकार के कोई विवाद या अन्य चीजें की सूचना नहीं प्राप्त हुई है। और आइए अब एक नजर डालते हैं मौसम पर। हवाओं का रुख बदलकर उत्तर पश्चिमी हो गया है, इसके बावजूद पारा 10 डिग्री के नीचे बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं अधिकतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हवाओं की दिशा बदलकर उत्तर पश्चिमी हो गई है। मौसमविद फिलहाल मौसम शुष्क रहने की संभावना जता रहे हैं। हालांकि तापमान में गिरावट का दौर जारी है। प्रदेश में सबसे कम तापमान बिजावर में 6.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि जबलपुर में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम 23.7 और न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री रहा, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम था। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज़।